Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड एक्टर अली फजल और ऋचा चड्ढा पिछले साल अप्रैल में शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, एक दूसरे के साथ पोस्ट शेयर भी करते रहते हैं। अक्सर दोनों शादी से जुड़ी पोस्ट लिखते हैं, हालांकि कुछ भी साफ तौर पर यह नहीं कहते हैं, लेकिन फैंस को वेडिंग के बारे में अपडेट जरूर देते रहते हैं। अब अली फजल ने शादी की बात को एक बार फिर उठाया है। उन्होंने ऋचा चड्ढा संग खुद की एक फोटो शेयर करते हुए लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में एक्टर ने कहा है, ऋचा तुम सिर्फ मेरी बेगम हो। फैंस कयास लगा रहे हैं कि कहीं दोनों ने सीक्रेट शादी तो नहीं कर ली। फोटो शेयर करते हुए अली ने लिखा है कि सबसे सेक्सीएस्ट लड़की जिसे मैं जानता हूं, और हाँ मुझे यह बात कहनी पड़ेगी कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसके आगे अली मजाक के अंदाज में लिखते हैं, टेलीफोन उठा लो बेगम, उसी पर है कि फोन उठ जा सीमा सीमा सिम फोन। अली ने इस पोस्ट में ऋचा के लिए अपने प्यार का इजहार किया है। कुछ पंक्तियाँ लिखते हुए कहते हैं, शहर बदल जाते हैं, मशरूफियत जकड़ लेते हैं, सफर मोहब्बत के मामले में आपको और भी तैनात कर देते हैं। पिछले मामले में भैया और यह मुठभेड़ कायम रहे, यही दुआ है, लेकिन तुमसे बिन मतलब बात करने में जो लुत्फ उठाता हूँ या जो आनंद मिलता है वो शायद ही कहीं मुमकिन है। शक्ल पर बगैरियतों वाला सुकून सा छा जाता है। हाँ, कभी कभी अपने आप से गुफ्तगु छिड़ जाती है आयनों के दरमियान, लेकिन वह नार्सिज्म है एक तरह का अपने आप में, उस पर चर्चा नहीं करे तो बेहतर है। शायद कभी राजनीति में उतरना पड़े तो काम आएगा। फिलहाल आप डोरे डालता रहूंगा, लिखित में दिए हैं, ओके गुड बाय फैंस, अबे फोन उठा। अली फजल के इस पोस्ट ने फैंस को लगाया है कि ऋचा चड्ढा संग एक्टर ने शादी कर ली है। दोनों ने सीक्रेट शादी की है और किसी को बताया भी नहीं है। अली की पोस्ट से साफ तौर पर लग रहा है कि वो अपने लेडी लव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे फ़ोन उठाने के लिए कह रहे हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.